बिल मिनिएचर बैम्बू हाउस जीप स्विमिंग पूल। नंदिनीपुर नाम के शहर में वेनू नाम का लड़का सरकारी पाठशाला में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता सूरज बैम्बू को अपनी दुकान में बेचते थे। वेनू स्कूल जाकर आने के बाद खेलते वक्त खेलते खेलते ही बैम्बू से चीजें बनाता था। पिता बैम्बू का ही काम करते थे तो उसे बैम्बू से चीजें बनाने के लिए और खिलौने बैम्बू से बनाने के लिए आसानी से मिल जाती थी। वेनू जो सामान बनाता था वो देखने में खेलने में दूसरे आसपास के बच्चों को खूब पसंद थे। बच्चे वेनू के बनाए बैम्बू जीप व्हीकल्स में घूमते हुए मजे करते थे। एक बार शाम को उस तरफ गुजरते हुए वेनू के मैथ्स टीचर शेखर वेनू को वेनू के घर के आंगन में देखे और जो वो काम कर रहा था उस पर गौर किए। उनको पता लगा कि वेनू को बैम्बू से चीजें बनाने का शौक है। वो जानकर शेखर अगले दिन स्कूल में वेनू से, वेनू तुम बैम्बू से वस्तु खिलौने सब अच्छे से बना रहे हो। तुम्हारे इस शौक को मैंने देखा, तुम में बहुत टैलेंट है। अगर तुम्हें प्रोत्साहित किया तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे। यूं उसकी तारीफ की। दो दिन के बाद शेखर टीचर क्लास में, डियर स्टूडेंट्स, दो हफ्तों के बाद हमारे स्कूल के वार्षिक दिवस होने वाला है। शहर के सारे स्कूल्स मिलकर इंटर स्कूल एग्जीबिशन होने वाला है। उसमें स्टूडेंट्स सब अपने मन पसंद चीजें बनाकर भाग ले सकते हैं। भाग लेने की इच्छा रखने वाले अपना नाम दीजिए। यूं कहा, फिर आखिरकार एग्जीबिशन शुरू हुआ। देखने के लिए जो लोग आए वो बच्चे बड़े सब स्टूडेंट्स के बनाए अलग अलग चीजों को बड़े शौक से देख रहे थे। वेनू के बनाए खिलौने बैम्बू के व्हीकल्स सारे बड़े बच्चे आश्चर्य से देख रहे थे। उस दिन एग्जीबिशन खत्म हुआ। अगले दिन एग्जीबिशन फिर शुरू हुआ। डीओ प्रदर्शन में लगा हुआ चीजें देखते हुए वेनू के बनाए बैम्बू हाउस जीप स्विमिंग पूल के पास आकर रुका। रुककर देखने के बाद वहाँ छोटे छोटे इंसान बैम्बू स्विमिंग पूल में खेलते हुए बैम्बू जीप चलाते हुए बैम्बू हाउस में चलते हुए दिखाई दिए। वो देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तुरंत पूछा कि ये किसने बनाया। वेनू शेखर टीचर वहाँ आए। वो वेनू से, ये बैम्बू जीप स्विमिंग पूल हाउस बनाया वो सब तो अच्छा है, ये लिलीपुट कहाँ से लेकर आए हो। यूं पूछा। तब एक लिलीपुट, हम लोग ही आए हैं। यूं कहा डीओ। कौन हो तुम लोग। यूं पूछा। तब एक लिलीपुट, मैं अपने राज्य का मंत्री हूँ। हमारा लिलीपुट राज्य है। इस नगर से दूर नदी के पार हमारा राज्य है। यहाँ हम लिलीपुट के काम आने वाले वस्तुएं यहाँ प्रदर्शन में है। ये हमारे गुप्त गूढ़चारियों से पता लगा तो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये सच में हमारे लिए बहुत काम की चीजें हैं। हमारे देश में मौसम की वजह से ये बैम्बू की चीजों की हमें जरूरत है। ये बात हमारे राज्य को बताएंगे। यूं कहा मंत्री एक और बात बताया, हमारे राज्य में ऐसी चीजें नहीं मिलती, इसलिए हमें ये बहुत काम आएंगी। यूं कहा डीओ। हाँ क्या। कहकर वेनू शेखर का अभिनंदन करके चले गया। तुरंत वेनू लिलीपुट से, तो फिर मैं तुम्हारे लिए बना कर दूंगा। आप लोग डरिए मत, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, मुझ पर यकीन कीजिए। यूं कहा तब मंत्री, तो फिर जब तुम्हें मौका मिलेगा तब आप हमारे राज्य आइए। यूं कहा वेनू शेखर टीचर, हम आकर आपकी मदद करेंगे। यूं बोले और कुछ वेनू के दोस्त मिलकर लिलीपुट के राज्य में लोगों के लिए बैम्बू से बैम्बू हाउस बैम्बू जीप बैम्बू व्हीकल्स बैम्बू स्विमिंग पूल बनाकर दिए। लिलीपुट बैम्बू जीप में घूमते हुए बैम्बू व्हीकल्स में घूमते हुए बैम्बू स्विमिंग पूल में तैरते हुए बैम्बू हाउस में जीते हुए आराम से एंजॉय करते हुए खुश हुए। इससे बहुत खुश होकर लिलीपुट महाराज वेनू शेखर टीचर सबसे, तुम लोग बैम्बू हाउस जीप स्विमिंग पूल बनाकर दिए और हमारी बहुत मदद किए। ये एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम्हारी मदद के बदले ये पेटी में रखे सोने को जेवर और हीरों को लीजिए। यूं कहा वो देखकर वेनू शेखर टीचर वेनू के फ्रेंड्स सब बहुत खुश हुए।